आचिस ढूंढ रही हो? कहो तो नीचे से ला दूं। वैसे नए शौक पुराने दोस्तों से छुपाए नहीं जाते। चले जाओ यहां से, मैं मजीद तुमसे उलझना नहीं चाहती। अगर तुम सुलझना भी तो नहीं चाहती हो तो क्या करूं? कहां चली जाऊं? क्या सजा पाऊं? देखो ना, इस घर के खुदा तुम बनी गए हो फैसलों के, तो बताओ किस रास्ते चली जाऊं? अपने आप को मुझसे कितना दूर कर लिया इस बात का अंदाजा है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है तुम जिस भी रास्ते जाओ क्या मैं वहां नहीं हूं? क्या तुम्हें जो भी सजा दूं क्या मैं खुद नहीं सहूंगा? याद है तुमने जब वो कागज की कश्ती वाली बात की थी तो क्या कहा था? तुमने कहा था कि जब वो कागज की कश्ती डूब जाती थी तो तुम रोती थी और मैं हंसता था। हाँ, मैं हंसता था उल्फत। मैं इसलिए हंसता था उल्फत क्योंकि मैं जानता था वो डूबी हुई कश्ती मैं दोबारा तुम्हें बनाकर दे सकता हूं, वो खुशी तुम्हें लौटा सकता हूं। वो कागज की कश्ती बनाकर तुम्हारे चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट ला सकता हूं, इसलिए हंसता था मैं उल्फत। लेकिन फिर उस कागज की कश्ती का वक्त चला गया, वक्त बदल गया और तुम्हारी सोच भी बदल गई, लेकिन हमारी मोहब्बत अपनी जगह खड़ी रही, यहां तक कि तुम शफक को भी हमारे बीच में ले आई, लेकिन हमारा प्यार कायम रहा सिर्फ इस बात पर कि मैं कुछ भी करके तुम्हें खुशी दे सकता हूं, तुम्हें फिर से मुस्कुराता हुआ देख सकता हूं, सिर्फ इसलिए उल्फत। क्या हो गया? क्यों तुम मुझे खुश नहीं देख सकते, मेरे साथ रह सकते, मेरी खुशियों में शामिल हो सकते? जो कुछ भी मैं चाहती हूँ वो मान सकते हैं? अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि सब करके देख लिया। और क्या हुआ? हम सब ने वो सब करके देख लिया जो तुम चाहती थी उल्फत, मगर क्या हुआ? अब अगर मैं, अम्मा, हादी और शफक, हम सब जब अपनी जड़ें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो किस तरह हम तुम्हारी नई खुशियों की शाखों पर जाकर बैठ जाएं? जो खूबसूरत और कीमती तो जरूर है मगर है नकली। Thank you.
तुम चाहो तो अब भी सब ठीक हो सकता है। सब ठीक हो सकता है अगर तुम मेरे तीन अल्फाज मान जाओ। वापस आ जाओ उल्फत। ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ। हम ना हम पुरानी सी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते। हाँ, वही मेरा पुराना वाला शाहान, वही उल्फत, वैसे ही सब कुछ करेंगे, वैसे तुम मुझे निवाले बना बना के खिलाना, वैसे घूमने जाएंगे, वैसे पिकनिक मनाएंगे, हाँ वही पुराने तरह। हाँ मैं काम करो, तुम ना शफक को निकाल दो यहाँ से, इसे निकालो यहाँ से, निकालो उसको, दफा करो, ये हमारे बीच में आ गई इसलिए इसका फासला हो गया है। हम ना इसको निकाल देंगे, पहले की तरह रहना शुरू कर देंगे। वही मेरा शान, वही तुम्हारी उल्फत, वही हमारा आदि। हाँ पहले की तरह रहेंगे, ठीक है ना? बहुत खूबसूरत ख्वाब है, ख्वाब की हकीकत में कोई जगह नहीं है। सोच कर आया था उल्फत कि तुमसे बात करूंगा तो शायद बात बन जाए, लेकिन तुम तो सब कुछ खत्म करने पर तुली हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर चली जाओ, कि हम मजीद शायद तुम्हारी मेजबानी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह हाफिज उल्फत। सब अपनों के खातिर हम एक